चांदनी आ गया रंगीला तेरा दीवाना, तू जो मांगेगी देगा। मेरी पगली, मेरी पपली, हाय 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 हाय, मेरी पपली, मेरा रंगीला, हाय मेरी पपली, मेरा रंगीला। चल आज हम लोग पिक्चर देखते हैं, तू मेरी पपली, मैं तेरा रंगीला। आजा 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 आजा, आगे पान की दुकान, पीछे गोरी का मकान, जालिम घूम घूम के बोला पान देना यार। अरे तेरा पान तैयार है, लेने यार तेरी पसंद का, अपना भी वसूल लेना, ये हाथ ले ये हाथ दे रख यार। सो का छुट्टा किसके पास है भाई? अरे यार तेरे कितनी भगत बोले ला, छुट्टे बेटे की टेंशन क्यों लेता है, कितना चेंज यार गले बड़ा। एक बात पूछू? पूछ। आप धंधा क्या करते है भाई? अपने से छावी पटेली है। छावी? टेंशन मत ले, अपने से एक औरत पटेली है। औरत पटेली है ऐसा बोल रहे? वो क्या है ना, जैसे उसका पति घर से बाहर जाता है, वो उसकी धोती में लकड़ी डालकर अपने सिग्नल देती है, उसका पति बाहर और अपुन अंदर। वो टाइम से लेकर ये टाइम तक, यानी के पान खाने के टाइम तक, अपनी हड्डी बोटी पसली वसली एक हो जाती है। लेकिन 500 रुपए देती मावा। 500 रुपया वो देती है तेरे को ऊपर से? ऐसा बेवकूफ पति कौन है भाई? अरे कोई झापड़ो से यार। उसकी पत्नी उसको बोली रात को 11 बजे आना, वेड़ा बोलता मैं 12 बजे आऊंगा। उसने मेरे सिग्नल दे, मैं अंदर ले बाप। अच्छा एक बात बता, उसका पति सवेरे काम के लिए निकलता कितने बजे है? 10 बजे। अरे लेकिन अपनों क्या करने का यार, उसका पति बाहर अपुन अंदर, और अपुन अंदर जाते तो सिग्नल क्या देती मालूम है? रंगीला आजा 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 आजा। ये कहानी कुछ सुनी हुई लगती है। दूध पिलाती है मुझे, उल्लू का पट्टा बनाती है। चांदनी, ए चांदनी, क्या है तू गला फाटे हो? दूध। ये क्या दूध गिरा दिया तुमने? मेरे हाथ से गिलास छूट गया, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं अब और दूध नहीं है। क्या घर में और दूध नहीं है? मुझे भूख लगी है, दूध पीकर ही दुकान जाना है, वरना दुकान खोलने में देरी हो जाएगी चांदनी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो दूध पीकर ही जाना पड़ेगा, तुम तो दूध पीकर ही जाओगे। बस अब भी गई और पड़ोसी से दूध मांग कर लाती हूँ, तुम दूध पीकर ही जाओ, मैं बस अब भी आई। चांदनी आज आधा घंटा सिग्नल पहले, पपली धोती वाला बाहर एंड पतलूर वाला अंदर। आई, आई, आई। ओए माँ मर गई। मर गई बाद में, पहले मेरे को ये बोल, आज धोती का आधे घंटे पहले इशारा कर अपने यार खान को अंदर बुला लिया। जिस्म की सुहानी महक से मैं पागल हो जाऊंगा। रंगीला तेरे को उम्र भर ऐसे जकड़ के अपने बाहों में रखेगा, और अगर वो तेरा निखट्टू बावला हस्बैंड यानी के पति आया तो उसको लात मार के बाहर निकाला तू देख। क्या तू रोज जैसा बोलती हो वैसा बोलना, आजा आजा आजा। ये भागता किधर है? बोलो। 500 रुपया लेकर नहीं जाएगा? नहीं। और तू बेवफा, जिसके साथ वफादारी करनी चाहिए उसके साथ बेवफाई, और जिसके साथ बेवफाई करनी चाहिए उसके साथ वफादारी। आगे पान की दुकान, पीछे सैया का मकान, अब समझ में आया तेरी सैया कौन है? जिस धोती को पहनकर मैं अपनी इज्जत को छुपाता हूँ, उस धोती को हिला हिला कर तूने मेरी इज्जत को लुटाया। बोलो तुम लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाए? हमारी शादी करा दे। अबे चुप, काट के सुपारी की तरह टुकड़े कर दूंगा। माफ कर दीजिए स्वामी। स्वामी माफ कर दो? अरे मैं तो तुम दोनों को साफ कर दूंगा। अबे जल्दी क्या है, अभी तो पुलिस आएगी, तेरी पिटाई होगी, नंगा करके मुंह काला करके गधे पर बिठा कर बस्ती में घुमाया जाएगा। पुलिस आएगी? आएगी। मुझे नंगा करेगी, गधे पे बैठाएगी, मुझे बावला समझता है ये। आई
क्या हो गया, क्या हो गया इसे? ये मर गया। नहीं, स्वामी। चुप। स्वामी नहीं, शबाबी। आजा, 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 आजा। ये मर गया, हमारा काम कर गया। ये दोनों समझते हैं मैं मर गया, अब मैं इन दोनों को मजा चखाऊंगा। रंगू बोल मेरी जान। रंगीले जल्दी चलाना। अरे चला रहा ना, फुल स्पीड फुल पेट्रोल। साइकिल स्टैंड पे और साइकिल पे तीन तीन सवारी, लगता है कुछ गड़बड़ है। आई गो। अबे रंगीले। अनुभव। अरे रंगीले पहले साइकिल को स्टैंड के ऊपर से तो निकाल, तब तो चलेगी ना। और रंगीले तू तो कितनी टाइम अंदर जा चुका है, तेरे को मालूम नहीं साइकिल पे तीन तीन सवारी बैठाना कानून के खिलाफ है। मिस्टू वो क्या इंस्पेक्टर साहब, चौथा अभी तक आया नहीं है ना? हाँ भाई, मेरे कहने का मतलब है तीन तीन सवारी बिठाना मना है। और ये कौन है? अरे ये बोलो ये कौन है और ये बोल क्यों नहीं रही है? ये एक्चुअली बेहोश है बाबा। बेहोश है? क्या क्या हुआ क्या है? ये इनका ये रंगीला कोई लफड़ा तो नहीं है ना? अरे लफड़ा नहीं है मेरे भाई, खाली प्यार है। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे लेकिन ये है कौन तुम्हारी? ये मेरी सास है और ये मेरे वो है। वो पति परमेश्वर। अरे रंगीला शादी की और मुझे मिठाई नहीं खिलाई? मिठाई चाहिए, तू घर से बाहर कब निकलता है? क्यों? भाभी को मिठाई पहुंचा दूंगा ना। ठीक है अभी हॉस्पिटल जाओ, चलो चलो जाओ जाओ चलो। हे भगवान, ऐसी बहू हर सास को दिला दो। अरे ये तो भारी बोझ भाई, तू ये बोझ कैसे संभालती थी? स्वामी। ओ स्वामी ओनली दिस शबाबी। आजा 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 आजा। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज तो मैं विधवा हो गई। अरे तू कहे तो मैं तेरी मांग सितारों से दोबारा भर दूं। मैं ये बोला पनवाड़ी की तरह नहीं हूँ कि तेरा हाथ कत्ते से लाल करूं, मैं तो अपने खूने दिल से तेरे होठों को लाल करूंगा मेरी जान। सर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी बीवी को लेके जाऊंगा, तू देखते रहियो। जाने दो ना रंगीला, क्यों इसे सता रहे हो? देखो अभी किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत का शब्द अपनी डायरी से निकाल दे मेरे बन्नो। तू खाली वो ही बोल जो मैंने तेरे को सिखाया है। क्या? आजा। मैं कैसे तुम दोनों का बजाता हूँ बाजा 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 बाजा। ऐसे क्या देख रहे हो? रंगीला सोचता है कि इतनी खूबसूरत औरत वो पनवाड़ी भोले के गोद में क्या कर रही थी। उसको देख के ऐसा लगता है ना कि जैसे हूर लंगूर की गोद में हो। ए पपली, ये रंगीला तेरा पहला और आखिरी पति क्यों नहीं हुआ रे? उस वक्त तुम्हारी लाश बाहर गार्डन में होती और मैं भोला की बाहों में होती। ये टाइम पे कौन गधे का बच्चा दरवाजे पे नोक 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 कर रहा है तेरे मेरे बीच में? रंगीला कहीं भोला तो नहीं ना? तू मेरे साथ रहते रहते थोड़ी सरक ली क्या? ये भूत लोग है ना, दरवाजा नॉक करते नहीं आते, वो खिड़की दरवाजे नल में से भी आ सकते है मालूम। टेंशन मत ले, चार बोला के भूत पे ही अकेला रंगीला भारी है बापू। इंस्पेक्टर साहब आप? अरे खून क्या है आप लोगों ने? खून? अरे इंसानियत का खून क्या है? रिश्तेदारी का खून क्या है? अरे अपने बीमार सास को अकेला छोड़ आई गार्डन में, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। ये लो देखो, इसे ठीक से लेके जाओ अंदर और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, समझे ना? और ये रंगीला कल मैं घर पे नहीं हूँ, अपने भाभी के लिए मिठाई लेकर जाना। क्या? और वही चाहिए अफलातून। चलो मैं निकलता हूँ। रंगीला ने लाइफ में एक से बढ़कर एक भूत देखे, लेकिन ऐसा कमबख्त चिटकू भूत नहीं देखे
लेकिन अब इसका करें क्या? फिर सोचते थे। आइडिया। आइडिया? हाँ। बोल बोल। तूने महमूद की फिल्म साधु और शैतान देखी थी क्या? मैं महमूद कज़ब प्राण को है ना पीछे की सीट पे डालता है टैक्सी के और मुंबई भर घुमा के कैमरे ले आकर छोड़ देता है। तो अपन भी है ना इस सैलरी बूथ नंबर वन को एक टैक्सी लेंगे, टैक्सी के पीछे डालेंगे, मुंबई घुमा के इसको कैमरे टपका के निकल जाएंगे। ये रंगीला में भरोसा है ना। घर तक छोड़ दोगे? कहाँ रहती है तू? यही पर पास में। चल बैठ जा टैक्सी में। टैक्सी में? टैक्सी में तो हर किसी को छोड़ते हो तो। मुझे पैदल छोड़ दो ना प्लीज। क्या बात है, चलो चलो चलो। वहाँ ना उधर दूर वहाँ पर मेरा घर है छोटा सा, और है ना बिल्कुल अकेली रहती हूँ वहाँ पर। तू मुझे छोड़ने आओगे? ये यूनिफॉर्म तू मेरी जोरू को लेके इतनी रात को कहाँ जा रहा है? अबे ए अबे चल हवा अंदे। मैं तुम्हारे जैसे जुआरी कबाबी शराबी के साथ नहीं रहूंगी, मैं तो अपनी भैया के साथ। भैया? हाँ भैया, नहीं तो क्या सैया? तू इसका भैया मैं इसका सैया। चल निकल छैया छैया निकल कल्टी निकल। यार क्या आदमी है यार, मूड का सत्यानाश कर दिया। निकल दे। चल मेरी जान, तू चल चल के बहुत थक गई हुई। मैं तेरे टैक्सी में गल लेके चलता हूं। ऑटो नहीं चलेगी क्या? थिंक बिग बेबी थिंक बिग, यू आर नॉट विद दैट पनवाड़ी भोला, यू आर विद रंगीला। और जब वो तेरा टपकेला मरा टैक्सी में फिर सकता है तो अपन दोनों प्यार करने वाले टैक्सी में नहीं गिर सकते क्या? चल ना तेरे को घर टैक्सी में लेके चलता हूँ ना। ए टैक्सी, ये दोनों तो वही है। ए! क्या हुआ? अरे ये वही टैक्सी वाला है जिसमें तेरा मर्द है ना बिना भाड़ा दिए चक्कर मार रहा है। ओ, अब क्या करें? अभी अभी अपन दूसरी टैक्सी लेते। अरे हट, ए टैक्सी। अरे रंगीला भाई, तुम तो कमाल के आदमी हो, घर पे मिठाई देकर भी गए। लेकिन तेरे भाभी को मिठाई बहुत पसंद आई है। अरे अफलातून तो सबको अच्छा लगता है अफलातून। लेकिन तुम लोग क्या हॉस्पिटल जा रहे हो? जाओ जाओ। लेकिन तुम्हारी सास कैसी? ठीक है ठीक है। टैक्सी। अरे रंगीला भाई, तुम तो कमाल के आदमी हो, टैक्सी सामने खड़ी और तुम टैक्सी को ऑर्डर। टैक्सी ये टैक्सी वाले को हॉस्पिटल कैसे जाने का? इन लोगों को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा रहे? हमने कब मना किया है? चलो। हाँ फिर नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। ए, चलो चलो बैठो बैठो। और सुनो, मैं तुम्हारे सास के लिए भगवान के पास प्रार्थना करूंगा। यार ये बड़ी मुश्किल से एक जो छुट्टी है तो तेरे मर्द से भी ज्यादा चिपकू निकला। कुछ बोला क्या? नहीं, थैंक यू। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे जाओ 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 जाओ। अरे वाह, अरे मेरे होते हुए रंगीला भाई को कौन मना कर सकता है। निकल पैसा पैसा ली। रंगू जरा पता तो लगा इसे, हमें पहचाना कि नहीं? मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ। ए टैक्सी वाले, तूने मेरे को पहचाना क्या? नहीं साहब। आज से पहले कभी देखा क्या? नहीं साहब। कभी रात में दिन में दोपहर में अंधेरे में उजाले में कभी देखा क्या मेरे को? नहीं साहब। अरे तू ग्रेट है यार, सिगरेट ले जान बनाना यार भरे लिए। हाँ अब आएगा मजा। प्यार तो पपली, मेरे को बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? मैंने जो बनाया वो खाओगे तुम? अरे तू मेरे को कुछ भी खिलाएंगी मैं खाऊंगा, मगर तू बोल तो क्या खिलाएंगी? मैंने है ना तुम्हारे लिए खीर बनाई। क्या बात है, तू जल्दी जाके थोड़ी खीर ले, क्या मैं खाऊंगा अभी आई। या पपली, तू पहले नाम पे थोड़ी खीर खाऊंगा। ये मर गया है, लेकिन बार बार हमें परेशान कर रहा है क्यों?
टेंशन मत ले मेरी जान, इसको खीर खाना दे, इसने खीर खा लिया। देखिए तू मेरे को एक बात बता, ये स्टॉप पे क्यों बैठा है? नहीं मालूम। अरे वेरी सिंपल, इसकी बॉडी चिल्ला चिल्ला के बोल ली है कि मेरा अंतिम संस्कार करो, मेरे को अग्नि के हवाले करो, मेरे को मोक्ष दो। लेकिन अगर ये गायब हो गया तो लोग हम पर शक करेंगे ना? अरे लोगों को मार गोली पपली, मेरे पे भरोसा रख, दो कदम आ गया। अपन सबसे पहले एक काम करेंगे, तिजोरी पे झाड़ू मारेंगे, मकान और पान की दुकान भी बेच डालेंगे, और इधर से कल टी। आइडिया अच्छी है, लेकिन इसका क्या करें? इसका ये भी सिंपल है, गोरखपुर एक्सप्रेस जाती है ना, माल गाड़ी के डब्बे में इसको अपन है ना बोरी वाला बंडल बनाकर डाल देंगे, और एक बेनाम टिकट इसके माथे में चिपका डालेंगे, जिसको मिला मुर्दा उसका पपली रंगीला। पपली तेरे को मेरी बाहों में देख के भोला क्या जलता होगा? पपली, माँ का समय भी बहुत हो गया, अरे ये तो मेरे एकदम सर पे आ गया, प्यार मोहब्बत में दिल दे सकता हूँ, जान के लफड़े आवे तो ये रंगीला बहुत शाना हवा है। नहीं तो भी देख, तू टेंशन मत ले, तू डरना मत, तू डरना मत, अभी मैं इसका कुछ कराऊं। पहलवान बाबा, तेरा अपने में बचपन से ऐसा नहीं क्या? अपने को बचपन में कुश्ती के दाव पे सिखाई ले लाए, दूध पाव खिलाई ले लाए, तो मैं भी सोचता हूँ ऐसा कुछ कर डालू कि तेरा भी बुढ़ापा है ना सवर जावे क्या? तो अक्की एरिया में लक्की दुकान है, अपना भोला पान वाला है ना उसकी दुकान है क्या? मैं सोचता हूँ कि तेरे को सस्ते दाम में दिला दूं, क्योंकि तू रोकड़ी पार्टी है ना। तो क्या है वो भोला आजकल गहरा गोरखपुर, तो अपने को उसका सब सामान बेचने का फुल पावर देके गया बोल। अरे भाई पर वो दुकान है कहाँ? अरे यार तूने अक्की फिल्म मोगले आजम देखा और सुब्बू मेरे से पूछते अनारकली किसकी गर्लफ्रेंड थी, बाप की के बेटे की? अरे दुकान ये रही यार। अरे रंगीला भाई इसको क्या हो गया? इसके हार्ट एकदम अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया था। अरे मेरे को हमेशा बोलता था रंगीला तू दुनिया में मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा है, मैं एक दिन मरूंगा मेरा दावा है, और मैं जब मरूंगा ना तो मेरे को सार्वजनिक शमशान घाट में, अरे कितना बाबा फकीर आदमी तारे बाबा मेरे इसका कुछ कर रहे बाबा। आओ भाई आओ ये लेके चलते हैं। चलो 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 आओ 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 संभाल के। रंगीला बच गया, अब ये भोला का भूत है ना तेरा पीछा छोड़ देगा और बस्ती वालों को हाथों जलेगा, अब तू कोई नया ठिकाना ढूंढ ले भाई। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हलवा है? अरे अब तो मैं जाऊंगा बाहर की दुनिया में, तुझ जैसी एक और बेवकूफ औरत को ढूंढूंगा जो मुझ पे अपना मकान दुकान जेवर सब वार दे, ये देख किसमें सब तेरी रोकड़ी है। अब मैं जाऊंगा, मुझे तो तुम्हें परेशान करेगा। अरे तेरे भोला की वजह से तो मैं ये सब कर रहा हूँ यार। मैं ना नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, कभी भी आके मेरा टेटुआ दबा के रंगीला से ढीला कर देगा मालूम है। चुप बोला, तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं इसको सबक सिखाए बगैर नहीं मरूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बोला 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 कर, याद याद कर, कसम से याद कर, जब भी तेरे घर से तेरी दुकान पे आया तो मैंने तेरे को सौ के पत्ते दिया, अभी इसके अंदर है ना तेरी जोरू का सब माल मुद्दा है क्या? तेरे भी सब का सब ये ले रे बाबा, तेरी बीवी जैसी की तैसी छोड़ के जा रहा हूँ, इसके हाथ पांव गला नाक सब जगह पे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देख लिया तेरी बेवफाई का अंजाम? हाँ बोला, बोला बोला मुझे माफ कर दो बोला, मैं ऐसा फिर कभी कभी नहीं करूंगी। Oh, my God.
आओ। उस बस को फॉलो करो, उसको ओवरटेक कर लेना है। क्या चल रही है? नमस्ते बंडी जी। नमस्ते। ये मरेगा। चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो। ये क्या बचपना है यार। अरे ये इनके काम की लगन है। चलो तुम आओ आओ। क्या कलेक्शन? मैं कलेक्शन के पैसे लाता हूँ, फिर भाड़ा भरता हूँ। दो मिनट रुको। अरे बसंती लाल, हाँ आज की कमाई कितनी हुई? बस भरी थी, पर ज्यादातर तो बूढ़े बच्चे मिलिट्री वाले सब कंसेशन, कुछ खास नहीं। तो डेढ़ दो ढाई साढ़े तीन हजार जो हो गया वो दे दो। हाँ जो है। हाँ, चलो जो भी है, बस का काम तो शुरू हुआ। मैं टैक्सी वाले को भैया 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 एक बात एक बात, आज इस बात का फैसला हो जाए। आप हमको क्या अपनी जोरू समझते हो जो रोज पीछे टैक्सी में बैठ के हमारी बस को फॉलो करते हो? नहीं नहीं, ये बात समझ लो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके गैर हाजिरी में हम आपकी बस को तोड़ फोड़ के बेच डालेंगे? जितनी ये आपकी रोजी है ना भैया, ये हम दोनों की भी रोजी है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो क्या है ना कि आज पहला दिन था ना, तो मैं टैक्सी में से बैठकर बस को देख रहा था, लेकिन कल से ऐसा नहीं करूंगा। ये तो बहुत अच्छा। कल से मैं बस में ही रहा करूंगा। हाँ हाँ। क्या है कि मालिक और पब्लिक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, तो बिजनेस बेटर होता है। हाँ, दैट्स अ गुड टैक्टिक्स एक्चुअली। टैक्टिक नहीं, टैक्टिक। क्या? टैक्टिक। टैक्टिक। ये सुनो, चुपचाप गाड़ी चलाया करो, ये कोई तरीका नहीं मालिक से बात करने का। ये इंग्लिश लेके अमेरिका जाए। मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा था? नहीं नहीं, वो तो कोई हम और बात कर रहे थे। कुछ लो, ये क्या हो रहा है? देखिए, जरा सी बस हटी तो आप गिर गए, कहीं पूरी हट जाती तो आप कितने गिर गए होते हैं। आप दोनों भी दूर हट जाओ मेरी नजरों से। अच्छा ये लीजिए, अब हम आपसे पंगा नहीं लेंगे, ये लीजिए। ठीक है, बेवकूफ समझ रखा है क्या? भाग गए सारे। भाग गए हम लोग। मेरे मोहल्ले में शरीफों का मोहल्ला है ये, हमारी सड़क है, हमारी समझे, ऐसे कोई हमसे बिना पूछे पर। अब इनको हमसे क्या तकलीफ है? पूरा टुन्ने नहीं, इनको क्या तकलीफ है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे मुसाफिरों को कोई असुविधा, कोई कष्ट, कोई तकलीफ? मालिक, हर आदमी यहाँ कंसेशन वाला है, किसी को कैसे तकलीफ होगी? सब खुश है, आप देखिए ना। मैंने हर आदमी को कंसेशन नहीं बोला था, मेरी बात उधर की टिकट, उधर जाके काट। उधर उधर आइयो। ये जो सज्जन आपके सामने खड़े हुए हैं, ये बस के मालिक हैं, ये हीरे हैं, आप लोग इनकी इज्जत के लिए उठिए, इन्हें बैठने दीजिए। उठिए उठिए, बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए। अरे किसी काल में जून तक नहीं रहेंगी, तुम कह रहे हो बैठे रहिए बैठे रहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नया सीट लगा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है ना, हवा हवा फर्स्ट क्लास आ रही है। बढ़िया लग रहा है। आप लोगों का समाधान ही हमारा सुख है, हमारा ये लक्ष्य है कि आपका सफर एकदम स्मूथ हो, जैसे मुंह में मक्खन। मक्खन में मक्खी आ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट।
रास्ते पुराने हैं तो हम लोग क्या करें? अपने मालिक से कहो डींग मारने के लिए और एक बार मुंह खोला तो नकली दांत गिरा देगी पब्लिक। इतनी सुविधा हम लोग किसी को नहीं देते। और पंचर की क्या गारंटी है? ए, हमें हमारा पैसा वापस दो। अरे 5 मिनट लगेंगे, स्टेपनी लगाने में 5 मिनट। अरे पैसे लेते हो, मरम्मत क्यों नहीं कराते? हो जाएगा भाई। फोकट चल, तुझे कंसेशन मिला है, तू मुंह मत खोल। अरे इसकी मरम्मत करो। क्या मरम्मत करो? तो छोड़ने का नहीं। बे ग्रेट ड्राइवर, अरे पुष्प चक्र किस पे चढ़ाने के चक्कर में उसको नीचे फेंक। क्यों, इसमें हवा नहीं है? उसमें भी? अरे हाँ। अरे इससे तो बैलगाड़ी अच्छी थी। देखो हमेशा गिरायक राजा जो होते हैं ना बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन आज हम लोग भी गलत नहीं है। एक मौका दो, हम लोग नया टायर लेके आते। सीधे टायर पंक्चर करा दिया चश्मे से। चलना गाड़ी गई था ना, चल नया लाते। देखो ये ड्राइवर कंडक्टर ढूंढे जाएंगे अभी। तू पेमेंट कर इसकी, मैं बसंती लाल को देखता हूँ। यहाँ बैठकर आराम फरमा रहा है? पहाड़ पर्वत पर गाड़ी चलाते समय एकदम मक्खन की तरह गाड़ी चलाता है, और सड़कों पर क्या तेरे चश्मे पर मक्खियाँ बैठ जाती है? ए, गुरु छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। बकवास मत करो, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। साला सोडा बॉटल के साइज का चश्मा पहनाते हुए दिखाई नहीं देता। ये क्या है? क्या क्या है? देखो ये बोला क्या क्या है, पैन चश्मा बोलता क्या क्या है, ये क्या है? आइए, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं। उंगली का ही है। ये क्या है? दो उंगली का भी। देखो हमको अंग्रेजी के सब मूल अक्षर आते हैं। हाँ भैया आते हैं ना तुमको मूल अक्षर? ये देखा, ये क्या है? ये एक फटका मारोगा ना खींच के सीधा 35,000 का तूने जूता मारा है। हाथ मत बांध, तू बात करता है आइंदा तूने ना पगार से काटना शुरू कर इसी महीने से। तू चुप कर यार, और तू सुन भाई, साला पैसे आते हैं लोटे से और जाते बाल्टी से, आइंदा तूने कभी ना अंदाजा है। किसी मूर्ख आदमी को समझाना और किसी मरे हुए आदमी को गोली खिलाना एक बराबर है। निकाल दे नौकरी से, दूसरा डिपॉजिट रख के नया ड्राइवर रख लेंगे। इमोशन से मत खेल। अरे ऐसा नहीं कर सकते ना, इसको जीजाजी ने काम पे रखा हुआ है, दीदी नाराज हो जाएगी। और तू खुश मत हो, आइंदा अगर अरे क्या? रिपेयरिंग का खर्चा तो लेने दे। अरे आइंदा अगर तूने मेरे आइंदा के बीच में बोला ना तो ठीक नहीं होगा आइंदा। आइंदा अगर तुमने कोई घोल घपला किया, कोई गलत चालबाजी की, तो याद रखना मैं जान से मार डालूंगा सबको, समझे? पहले लो समझे। वो वहां पर अभी दो ड्राइवर सोए, सुबह उठे ही नहीं, याद रखना। नमस्ते। ए, हाथ जोड़ के उल्लू मत बनाना, समझा? आ गई अक्कल। सुनो सालो, ये तुम दोनों के लिए था। सालो बस बेच के दीपक को कसाई का काम देंगे और उसको कसाई गंडासा हम गिफ्ट करेंगे। सब चोर कैसे बसंती लाल जी, कोई अखबार में खास खबर? कुछ नाश्ता करेंगे आप? आपके लिए कुछ मंगवाऊं मैं? रशियन सैंडविच, उत्तप्पा, ये बस आपकी है, आप अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घूमो ना इसमें। महंगा पड़ेगा। नहीं मैं भाड़ा नहीं लूंगा आपसे। देखिए मेरी पत्नी अब मेरी रही नहीं, मुझको तलाक देकर उसने किसी और के साथ शादी कर ली। अगर उस पत्नी को मैं इस बस में घुमाऊंगा तो उसका लेटेस्ट पति मेरे को बहुत कुत्ते की तरह मारेगा। आप अपने परिवार को घुमाइए ना, आप ही की बस है ये। माँ बाप के अलावा कोई नहीं है दुनिया में मेरा मालिक। तो आपकी बस अच्छी है लेकिन अनाथ होने का खतरा नहीं ले सकता मालिक। आप नाश्ता करेंगे कुछ? आपके लिए मंगवाऊ मैं घर से, आपके लिए खाना मंगवाऊ? क्या जरूरत है मालिक, उल्टा हम आप पे प्रसाद चढ़ेंगे, आप तो हमारे भगवान जैसे हैं। नहीं नहीं, भगवान बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग मजदूर आदमी है। आओ आओ, हम दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाते हैं। ऐसा कौन बोलता है? मार्क्स ने कहा था। ये मार्क्स कौन है? आप मजदूर होकर मार्क्स के बारे में आपने नहीं सुना? नहीं नहीं, मार्क्स के बारे में सुना है, वही जो स्कूल में इम्तिहान के पर्चे में जो मिलते हैं वही ना। अखबार चश्मे से चिपकाए फिरते हैं और कितने बेखबर है आप। गाड़ी निकालिए, गाड़ी निकालिए। जीजू
मालिक ये आपके जीजू हैं? हाँ, वो बसंती लाल को बुला लो। तुम लोग का रोजगार जाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर डालता हूँ। हाँ जीजू। नमस्ते। नमस्ते। मेरा मुंह क्या रेड सिग्नल है जो मेरा मुंह देखते खड़े हो गए आप? RCCLDL निकालो जल्दी। कल रात को दिखाया था ना मैंने आप? टाइम क्या हुआ था? 9 बजे थे रात को। बस 8 बजे निकली थी स्टैंड से। अरे भूल गए आप, वो स्त्री वाले से झगड़ा कर रहे थे, अंडरवेयर में घूम रहे थे। शटअप शटअप, डोंट टॉक इन बिटवीन, आवर लिंक विल बी ब्रोकन, ओके? और मैं ड्यूटी पे एक व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ, किसी का जीजू बीजू नहीं हूँ। फॉलो मी। हाँ सर। फॉलो मी। ये इनके दिमाग को क्या हो गया रे? कितने पैसेंजर है? 50। ज्यादा लग रहे हैं। 50 बैठे हैं, 10 खड़े हैं और दर्जन भर चिल्ले पिल्ले भी हैं। इसका मतलब बस ओवरलोड है। एक्सक्यूज मी, इससे दुगने लोग बस स्टॉप पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि इस रूट पे एक ही बस चलती है। लोग चलती बस में अंदर कूदते हैं, देन व्हाट वी विल डू? अरे इस बस का टाइम टेबल RTO को भेजा था? टाइम परमिट भी कहाँ है? बी हाँ बीबी। बीबी इसकी बीबी का क्या काम है? ए शट अप, ये टायर रिटायर्ड लग रहा है। नो, इट्स न्यू, रीसोल्ड, पैच भी नया लगा हुआ है, देखो कैसा चमक रहा है। लुक सी वॉच, फर्स्ट एड बॉक्स लगा है। हाँ, बॉक्स भी, अंदर दवाई भी है। दिखाओ। आई सर। गुरु हाँ? उसके जख्मों पे एक हरी पत्ती चिपका दो। जख्म कौन, किसको, कहाँ? अरे रिश्वत खोरी का जख्म है, उस पे एक हरी पत्ती का फाया रख दो। मैं अपने जीजू को रिश्वत दूं? उसने बोला ना बाजू हटो, जीजू विजू घर पे बोला ना। बाजू हटो कब बोला? तुम मुझे भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रहा, वो भड़का हुआ, उसको ठंडा कीजिए, जाइए पानी छोड़िए उस पे। हटो। हाँ। खोलो। क्या? अरे फर्स्ट एड बॉक्स खोलो। कुत्ते, अरे कुत्ता नहीं चुहा है वो। टायर्स ठीक नहीं है। रूल 9 बी ब्रोकन, गाड़ी ये ओवरलोड है। रूल नंबर 65 डी ब्रोकन, मेडिसिन बॉक्स एक चूहा, कुत्ता नहीं चूहा है यहाँ पे। मेडिसिन बॉक्स में कुत्ता बचुआ था, इसका रूल नंबर पता नहीं है, पर देखना पड़ेगा। बस इट इज ब्रोकन। जीजू जीजू, नेशनल परमिट पार्ट बी नॉट शोन, रूल 238 जे ब्रोकन। टाइम टेबल कौन, कुत्ता कहाँ है? चाय पानी, चाय पानी। योर हैंड विल बी ब्रोकन। माय इज्जत इज ब्रोकन। नो, माय इज्जत इज ब्रोकन। चाय पानी। शट अप। ग्लास ब्रोकन। ये बस अभी के अभी RTO ऑफिस लेके चलो। इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसल। जब तक मेरी इजाजत नहीं मिलती तब तक ये बस RTO ऑफिस में बस। मालिक मेले की तैयारी शुरू होगी। तो मैं क्या करूं, छमिया की तरह नाचू? नहीं गुरु, आपको बताना भूल गया था मैं, वो मेले वाले लोग है ना, चंदा मांगने आए थे। हाँ, मतलब बाजा बज रहा है, एक फूक उनको भी मारनी है। नहीं मालिक, मेला मतलब पैसे का रेला। यहाँ का 56 गणपति एकदम फेमस है, बहुत लोग दर्शन के लिए आएंगे, बस स्पेशल परमिट निकालना। फिर से परमिट? अरे मालिक, रात दिन बस ठसा ठस भर के चलती है। स्पेशल परमिट होगा ना तो कोई रोक टोक नहीं, टाइम की कोई टिक टिक नहीं, जम के बस चलाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। हाँ हरिलाल, तूने पहली बार ऐसी बात की है कि तू हरी नोट का हकदार है। मालिक ए हरी पत्ती, ये दिन रात इतनी हैवी बस चलाना खाने का काम नहीं है। जब तक मेरे को हरी पत्ती नहीं मिलती ना, मैं गहने बदलता हूँ। अरे बसंती लाल, एक बार मेरे पास पैसा तो आने दो, फिर तुम लोग देखो मैं करता क्या। पहले मेरा देना। क्या बोला? क्या बोला? मैंने सुना ही नहीं। फिर ठीक है। ए बसंती, अब तो भगा तेरी धनों को। अरे पौना घंटा हो गया इंतजार करते करते। अरे पहले वो कमीना कंडक्टर आएगा तभी तो गाड़ी हिलेगी, और देखो जिसको जल्दी है वो जाए पदयात्रा पे। भाइयों और बहनों,
चल चला चल, कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और पते की बात ये है कि मैं बस का मालिक, इस बस का कंडक्टर बन गया हूँ। अब ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ये सब लंबी कहानी है, मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल आप लोग सब लोग मुझे संभाल लेना। हाँ, आप लोगों का स्टॉप क्या है, किराया कितना है, खुद ब खुद ईमानदारी से पैसे गिन के मुझे दे देना, मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया हूँ। और धोखाधड़ी मत करना, मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। हाँ भाई, किधर जाना है? पीसी। पीसी क्या? पुलिस कांस्टेबल। मतलब? मतलब फ्री। ओके, आपको किधर जाना है? पीसी। ए, कितने पीसी है इसके अंदर, इस बस में कितने और पीसी? हम सात पुलिस कांस्टेबल है इस बस में। हम डीसीपी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद बोल देना, सलाम बोलना। हाँ, आप लोग आए? महालक्ष्मी। मैं आपका नाम नहीं, आपके बस स्टॉप का नाम पूछ रहा हूँ। ये बस स्टॉप का ही नाम है। फेल। अरे चुप कर, बस चला रहे थे, रॉकेट उड़ा रहे थे, उड़ा देते थे तुम मुझे। काश ऐसा होता। What? कि ब्रेक टाइम पे लगा होता। अरे लेकिन आप भी सड़क पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनकर क्यों खड़े हो? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी? हाँ भाई भाई भाई, लेकिन अमेरिका हमें जाना है क्या आपको? ये बस लेके जाओगे क्या अमेरिका? अरे हम साइकिल से जाएं, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़े होने क्या खुजली है आपको? ए खुजली मास्टर, ये मेरा काम है। उस दिन मेले के दौरान मैंने इतने इशारे किए रोड साइड से, फिर भी आप लोगों ने बस क्यों नहीं रोकी? नहीं, रोड साइड के इशारों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम शरीफ हैं। ए, बस क्यों नहीं रोकी? देखिए, उस दिन जो मैंने बस नहीं रोकी ना, तो गुरु के बोलने पर नहीं रोकी। नहीं, आप एक बात बताइए, कितने भक्त लोग जो है वो धूप के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को छोड़कर हम लोग आपके दर्शन करने के लिए कैसे चले आते? यानी बस ओवरलोड थी। रूल नंबर 113 सेक्शन के ब्रोकन। आपकी बस जब पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रही थी तो कोई गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है। बस पैसेंजर से भरी हो, गुनाह ही है, समझा? देखिए जीजू, रूल नंबर 93 सेक्शन पी ब्रोकन। देखिए जीजू, मेरी बात ए, ओ मैं तो भूल ही गया था कि आप तो काम करते समय जीजू होते ही नहीं है, तो आप जो कोई भी है, आप जबरदस्ती बाल की खाल मत उतरिए। आपके कहने की वजह से हम लोगों ने बस के चारों टायर चेंज कर दिए, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कीटाणु मारक गोली रख दी, बस का तो क्या अपना भी टाइम टेबल सुधार दिया। अब हम लोग बारात के घोड़े के सामने भी नोट नहीं दिखाते, अब हमारे 2-in-1 के अंदर आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक में चलाइए ना। 2-in-1 का मतलब तो समझ गए होंगे, मालिक और कंडक्टर। ओहो, कंडक्टर विदाउट बैग, कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, सेक्शन 90 ब्रोकन। सेक्शन 90 ब्रोकन। साले साले उल्लू बनाते हैं, इसको तो मैं तोड़ ही डालता हूँ। ले गया तू, जीजा है वो अपना, चला। वाइपर कहाँ है? वाइपर यहाँ है। वाइपर का मतलब जानते हो? हाँ, खतरनाक जहरीला सांप। ड्राइवर, वाइपर है ना साहब, दोनों है ना उधर। रोते रोते चलता है कि त्रिताल झपताल में नाचता है? अरे जैसे भी चलता है, बारिश का मौसम नहीं है, आपको वाइपर से क्या सरोकार है? हाँ, दो दो वाइपर है, एक खड़े खड़े जंग लग गया और दूसरा खड़े खड़े टेढ़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है वाइपर की? आई अंडरस्टूड, रूल नंबर 65 सेक्शन ओ ब्रोकन। मुझे अभी के अभी वाइपर्स चाहिए। क्यों, खाएंगे क्या? शट अप, आई विल चार्ज। ए बसंती लाल, जाकर वाइपर लाकर इनके चश्मे पे लगा, ताकि इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे। देखो, तुमने मेरा पर्सनल इंसल्ट किया है। संभव ही नहीं है, आप तो प्रोफेशनल टाइम के ऊपर पर्सनल होते ही नहीं है, तो फिर पर्सनल इंसल्ट कैसे होगी? मैं फाइन मारूंगा। फाइन? फाइन मारो या ताना मारो, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सड़क के ऊपर आ जाए? हम लोग सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है, जो सेक्शन लगाना लगाइए। ओके ओके ओके। चलो चलो चलो, मुझे कपड़े उतारने। क्या बात कर रही हैं आप? अरे कपड़ों की गठरी ऊपर से। ओ धोबन हूँ। अच्छा, मेरी धुलाई मत करना मेरी माँ। इधर से चले। रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन। हाय। अब कहाँ चोट लगी? नहीं ऐसे ही, जनरल हाय बोल रही हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? और कहाँ जाऊंगी, प्रिंटिंग प्रेस वाला जॉब भी नहीं रहा, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरा जो कंडक्टर था ना, कंडक्टर, वो 1,00,000 रुपए लेकर भाग गया, उसमें से 50,000 रुपए मुझे तुम्हारे परिवार को देने थे और 50,000 रुपए अपने लिए रखने थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत लाजवाब है, और मेरी किस्मत, उसका तो जवाब ही नहीं।
अगले हफ्ते मेरे मामा की लड़की की शादी है, मुझे कम से कम एक सिक्का तो देना होगा। चलो उतना तो दे ही सकता हूँ मैं, क्या बात करती हूँ। सोने का फिर रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है। बैसाखी की वजह से मेरा घूमना फिरना बंद हो गया है। मेरी सहेलियाँ कहती है मुझे कपड़े का शोरूम खोलना चाहिए, मैं एक जगह कैश काउंटर पर बैठी रहूँगी और काम होता रहेगा। लगे हाथों एक पेट्रोल पंप, एक ब्यूटी पार्लर और डायमंड ज्वेलरी शॉप भी खुलवा लेना, वहाँ पे भी ना तेरे को सिर्फ कैश काउंटर के गल्ले पर ही बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती, तुम मेरे परिवार का ध्यान रखने वाले थे ना। अरे मैं तो बहुत सारे लोगों के परिवार का ध्यान रखना चाहता हूँ, उसके तुम्हारे मेरे और बहुत सारे, लेकिन ऊपर वाला मेरी जेब का भी तो ध्यान रखे। वैसे निकाल निकाल कर मैंने कुछ निकाला अभी, ये मैं निकाल निकाल के इतना निकाला, ये रख लो अभी। ओ भाई साहब बस निकालो, टाइम हो गया। हाँ ठीक है निकल रहा है, चलो भाई बस निकालो अभी, ये सब बाकी सब समझ लेंगे बाद में कभी अपन। ओके सुनिए, ये बस दीपक की रोजी रोटी है जिसको गिरवी रख के उसने कर्ज वालों का कर्ज अदा किया है। आपके एक हाथ में नोट है, दूसरे हाथ में इंसानियत को रखिए, वरना आप में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा।